हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भीमताल में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मंदिर का नाम है श्री भीमेश्वर महादेव टेम्पल। ये जो मंदिर है भीमताल लेक के तट पे ही बनाया हुआ है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की हिस्ट्री ये है कि कहा जाता है कि जब भीम अपने एक दौरे पे निकले हुए थे, पहाड़ों में मंदिर जब घूम रहे थे, तो उनको आकाश से एक आवाज़ आती है और उनको बोलती है कि अगर वो चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका नाम हमेशा याद रखा जाए, तो उनको एक महादेव जी का टेम्पल बनवाना चाहिए। तो क्योंकि भीम महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। उसके साथ साथ गाइस, भीम के पास जो गदा होती थी, उन्होंने उस गदा को माउंटेन में इतनी ज़ोर से मारा कि वहाँ से गंगा सी बहने लगी और बह के इस झील में जा मिली। तभी से इस झील का नाम हो गया भीमताल। तो चलिए गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बोलो सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो सियावर श्री रामचंद्र जी की जय। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। एकदम पीसफुल, बिल्कुल पीसफुल टेंपल है। पता नहीं था आने से पहले, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। जब अगर आप भीमताल आओ तो इस मंदिर में ज़रूर आना, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा। एक बार दोबारा देख लीजिए, जो टेंपल का नाम है मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, श्री भीमेश्वर महादेव। प्राचीन मंदिर, काफ़ी पुराना टेंपल है। ये देखिए कितना पुराना है, देख रहे हैं आप, पहले ऐसे हुआ करता था ये। ये
ये नंदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, नंदी जी, और यहाँ पे हमारे महादेव जी। एक बार दोबारा महादेव के दर्शन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पीस लगा होगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस मैं आगे डालता रहूँगा, भगवान मंदिरों से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है तो मुझे फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।